हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी जो पनिशमेंट्स के बारे में है, जिसे हिंदी में सज़ा बोलते हैं। किसी ऑफेंडर को कोर्ट किस किस तरह की या फिर कितने टाइप की पनिशमेंट्स दे सकता है वो इस चैप्टर में बताया गया है। सो सेक्शन 53 से लेकर 75 तक ये डील करता है। इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 53, जिसमें 5 टाइप की पनिशमेंट्स बताई गई है। सो सबसे पहली पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट, जिसे हिंदी में सजाए मौत बोलते हैं। सेकंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसे आजीवन कारावास बोला जाता है हिंदी में। थर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है 1949 में, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्थ जो है, जो इम्प्रिजनमेंट के बारे में यहाँ बताया गया, जो सज़ा के बारे में जो बताया गया है, वो दो टाइप की होती है, एक सिंपल और एक रिगरस। और फिफ्थ है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, तो ये वही है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सिक्स है फाइन, जब आप पे कोई पैसे का दंड दिया जाता है। इट मीन्स कई ऑफेंसेस में आपने देखा होगा इम्प्रिजनमेंट लाइफ के साथ साथ फाइन का भी प्रावधान होता है। फाइन होता है कि भी किसी पर पैसे का दंड लगा देना, कि भी अगर आप ये ऑफेंस किया है तो आप इतने हज़ार रुपए फाइन पे करेंगे कोर्ट में, तो ये फाइन होता है। तो अभी हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, हम इन सारे ही टाइप ऑफ पनिशमेंट्स को हम थोड़ा सा अभी डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भी कितने टाइप की पनिशमेंट्स हमारे आईपीसी में बताई गई है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, और भी बहुत कुछ सवाल आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं पनिशमेंट के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पनिशमेंट? टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। देखिए, पनिशमेंट को बनाया ही इसलिए गया है कि भी जो ऑफेंडर है, जो ऑफेंडर को उसकी ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सके। पनिशमेंट होगी तभी तो एक ऑफेंडर के मन में डर रहेगा कि भी अगर वो ऑफेंस करता है तो उसको ये सज़ा दी जा सकती है। इससे सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाता है ऑफेंडर को पनिशमेंट देकर। नेक्स्ट है टू डेटर द क्रिमिनल। जब एक क्रिमिनल के दिमाग में होगा कि भी उसको उसके इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है, तो उसके मन में डर होगा कि भी वो सोसाइटी में ऐसा कोई ऑफेंस ना करे। वो ऑफेंस करने से पहले सोचेगा कि भी वो करे या ना करे। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक पनिशमेंट बनाई गई है उस तरह के ऑफेंस के लिए, बेसिकली। सो टू डेटर द क्रिमिनल, क्रिमिनल्स को ऑफेंस करने से रोकना। नेक्स्ट है टू रियलाइज हिज फॉल्ट। जब किसी ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाती है तो उसको रियलाइज किया जाता है कि उसने जो ये ऑफेंस किया है ये उसके लिए तो हार्मफुल है ही है, साथ ही साथ पब्लिक एट लार्ज, सोसाइटी के लिए भी ये जो ऑफेंस है बहुत हार्मफुल है, जिससे उसको रियलाइजेशन किया जा सके कि भाई उसने जो किया है वो गलत किया है, और इस तरह से कि एग्जाम्पल सेट हो सके कि भी जो सोसाइटी में जो क्रिमिनल टेंडेंसी वाले जो लोग हैं वो भी किसी ऑफेंस को करने से पहले सोचे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। तो पनिशमेंट देने से उसको खुद अपनी मिस्टेक का, अपने ऑफेंस का रियलाइजेशन होगा, और एक एग्जाम्पल सेट होगा दूसरे ऑफेंडर्स के लिए वो इस तरह की मिस्टेक ना करें। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हाट आर द एक्सपेक्ट ऑफ द पनिशमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन अप्रोच रहती है पनिशमेंट की, बेसिकली। पहला है रिफॉर्मेटरी, सेकेंड है डिटरेंट, एंड थर्ड इज़ अ प्यूनिटिव। जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है, प्यूनिटिव होता है जब आप किसी ऑफेंस के लिए पनिश करते हैं, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच रही है। लेकिन आजकल जो नई अप्रोच चल रही है वो है रिफॉर्मेटरी एंड डिटरेंट। तो रिफॉर्मेटरी क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले रिफॉर्मेटरी थ्योरी देख लेते हैं। इसे बेसिकली थेरेप्यूटिक अप्रोच समझते हैं, इट्स लाइक थेरेपी काइंड ऑफ। तो यहाँ पर ऑफेंडर को जो एक ऑफेंडर ना समझकर एक बीमार पर्सन समझा जाता है, जो उसकी क्रिमिनल टेंडेंसी जो होती है, किसी ऑफेंस को करने की जो उसकी इच्छा जो रही होती है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि जो उसने ऑफेंस किया होता है। इट मीन्स कि भी किसी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो ऐसा उसके दिमाग में क्या रहा, क्या रीज़न रहे थे, क्या उसका सोच था उस ऑफेंस के लिए, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसका उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब पनिशमेंट से ज़्यादा ध्यान उसके ट्रीटमेंट पे दिया जाता है कि भी किस तरह से उसे एक ऑफेंडर से नॉर्मल पर्सन दोबारा से बनाया जा सके। ये रिफॉर्मेटरी है। सेकंड है डिटरेंट थ्योरी, जिसे कि प्रिवेंटिव अप्रोच भी कहते हैं। प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम। तो इसमें बेसिकली ये पता लगाया जाता है कि भी अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन जो ऑफेंडर बन गया है तो ऐसे क्या रीज़न, क्या कारण रहे जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल पर्सन से ऑफेंडर बन गया, उसे वो ऑफेंस करने की ज़रूरत पड़ी है, या फिर क्या रीज़न थे जो उसने ऐसा ऑफेंस किया है।
तो उन सर्कमस्टांसेस, उन रीजंस, उस एनवायरनमेंट का पता लगाया जाता है जिससे जो है जो ऑफेंडर है उसने जो ऑफेंस किया उसको उसकी गलती का एहसास किया एहसास करवाया जा सके, जिससे कि भी वो भविष्य में भी ऐसी मिस्टेक ना करें और सोसाइटी में उस तरह के और ऑफेंडर्स को बनने से रोका जा सके। एक ने जो गलती करी सो करी, लेकिन उसको देखकर और भी लोग जो हैं प्रोवोक ना हो सके कि भी उस तरह का ऑफेंस किया जाए। सो इट्स अ डिटरेंट थ्योरी। थर्ड है प्युनिटिव। प्युनिटिव में सिंपल ये रूल रहता है कि भी जिसने ऑफेंस किया है उसको ये पनिशमेंट दी जाए। उसमें ऑफेंडर को जो है नोटोरियस डेंजरस पर्सन माना जाता है सोसाइटी के लिए, उसके लिए कोई रिफॉर्मेटरी नहीं होता, कोई डिटरेंट नहीं होता। अगर उसने ऑफेंस किया है तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी और कोई रास्ता नहीं है इसमें। डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, जिसमें बहुत सारे ऑफेंसेस में डेथ सेंटेंस मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, बट जनरली कोर्ट जो है, जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं या फिर मर्डर जिनमें ज़रूरी हो जाता है किसी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस देना, तभी वो उसे ऐसी पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मतलब सेक्शंस लिखे हुए हैं जहाँ पर पनिशमेंट जो है डेथ सेंटेंस दी गई है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो सेकेंडली जो दिया गया इस सेक्शन में वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बात करता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसका थर्ड जो है वो ओमिट हो चुका है, इट विद इफेक्ट फ्रॉम 6/4/1949 से, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो इसका फोर्थ है इम्प्रिजनमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक रिगरस और एक सिंपल। रिगरस वो होती है जहाँ पर आपसे लेबर वर्क करवाया जाता है, जैसे कि भी पत्थर तोड़वाना हो गया, गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना, चक्की पीसना, इस तरह के जहाँ पर लेबर वर्क होता है तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है जहाँ पर सिंपली आपको जेल के अंदर रखा जाता है, कस्टडी में, मतलब जेल में रखा जाता है, वो सिंपल रहता है, वहाँ पर आपसे हार्ड लेबर वर्क नहीं करवाया जाता है, सिंपली यू आर जस्ट बिहाइंड द बार। सो बेसिकली जजमेंट में बताया होता है अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है तो वो किस नेचर की होती है, सिंपल होगी या रिगरस होगी, वो जजमेंट में दिया होता है। नेक्स्ट देखिएगा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। सो इसके लिए जो है पनिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट फॉरफीचर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर इज़ नाउ अबॉलिश, मतलब कि भी एब्सोल्यूट, मतलब किसी ऑफेंडर की सारी प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी वो अब हट गया, वो ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर जो होगी प्रॉपर्टी जिसका कोर्ट ऑर्डर करेगा उसी को जब्त किया जा सकेगा इसमें। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में एक और चीज़ है, बेसिकली देर आर थ्री ऑफेंसेस जहाँ पर फॉरफीचर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, तो वो है सेक्शन 126, 127 एंड 169 ऑफ आईपीसी, आप देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पर फाइन। फाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पैसे का दंड दिया जाता है, मतलब पैसे का भुगतान करना होता है जो कोर्ट आप पे इम्पोज करती है, सो वो फाइन है। यहाँ पर ये सेक्शन मैंने लिखे हैं जहाँ पर फाइन का जो मतलब पनिशमेंट दिया जाता है किसी ऑफेंडर को, वो सेक्शन आप देख लीजिएगा। इसकी एक नेक्स्ट चीज़ ये कि भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी इस चीज़ के बारे में कि भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रिजनर्स और उनके वेजेस के बारे में, कि जेल के अंदर उनको क्या क्या आप काम दे सकते हैं और बदले में उनको कितने तनख्वाह पैसे जो है वो मिलेंगे, तो उसके ऊपर एक पूरी गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। वो ये केस है स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ये 1998 का केस है। तो अगर आप एक एग्जांपल देखें तो जब संजय दत्त को भी जब जेल हुई थी तो उन्होंने जेल के अंदर पेपर बैग्स बनाए थे, तो बदले में उन्हें भी कुछ पैसे दिए गए थे जो उनके वेजेस की तरह थे एक तरीके से। इसमें मोटी मोटी बात ये कही गई थी कि भी अगर कोई पर्सन जेल में भी कोई अगर काम करता है, कोई एम्प्लॉयमेंट उसे अगर मिलता है, तो बदले में उन्हें पैसे मिलने चाहिए, जो जब उनकी रिहाई होगी, जब उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी, तब उनको टोटली वो अमाउंट दे दिया जाएगा। ओके, वैसे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बन रही है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑलमोस्ट सारे ही सेक्शन मैंने कवर करे हैं और एग्ज़ाम्स के पर्पस से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। नाउ लेट्स सी द सेक्शन 53A ऑफ आईपीसी, जो कहता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर छोड़ देना, तो ये जो पनिशमेंट है ये इंडिपेंडेंस से पहले दी जाती थी, बाद में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। तो अगर कहीं भी किसी ऑफेंस के पनिशमेंट जो है
ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ अगर दिया गया है या फिर ट्रांसपोर्टेशन फॉर 10 ईयर्स दिया गया है या कितने भी साल दिया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, वट एवर जितने भी साल का दिया गया है। लेकिन अगर थोड़े साल के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ एक आध साल के लिए अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन लिखा गया है, दिया गया है पनिशमेंट, तो हम उसको ओमिटेड मानेंगे, उसको डिलीट मानेंगे, वहाँ उसको ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ओके, अब देखते हैं सेक्शन 54 क्या कहता है। ये कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन का मतलब होता है किसी की सज़ा को कम कर देना, कम्यूट कर देना। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास होती है पार्डनिंग पावर होती है, किसी की सज़ा को कम करना या फिर उसको क्षमा दान देना, तो ये सारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। यहाँ पर सेक्शन 54 ये कहता है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है, जो उस समय की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर, उसके पास ये पावर होती है उस ऑफेंडर को, एक्यूज्ड को, जिसको ये सज़ा मिली है, उससे सलाह मशवरा करे बिना, उससे पूछे बिना उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। तो ये कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ है। अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई इसकी सज़ा को कम किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर सकती है। लेकिन देखिए, ये डेथ सेंटेंस के बारे में बताता है। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 55 जो है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो अगेन ऑलमोस्ट दोनों ही सेक्शन सेम है। वहाँ पर डेथ सेंटेंस की बात बोली गई है, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बोली गई है। अगर किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, तो सेम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उससे पूछे बिना उसकी पनिशमेंट कम कर सकता है। सो यहाँ पर अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, उसको 14 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कि उसको उम्र कैद मिली तो बदले में उसको कम्यूट किया गया तो उसको दे दिया 20 साल, उसको दे दिए 18 साल, ऐसा नहीं है। उसकी भी लिमिट है, उसको 14 ईयर्स से ज़्यादा की सज़ा, मतलब कम करके नहीं की जा सकती। 14 से कम बेशक हो सकते, लेकिन 14 से ज़्यादा की सज़ा उसको नहीं दी जा सकती उस केस में। Now let's see the section 57। ये क्या कहता है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, जिसको जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। देखिए, कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आखिरी सांस तक वो जेल में रहे। वहाँ पर फ्रैक्शन मतलब कितना अंश, कितना टाइम पीरियड जो है उसे अपने जीवन का जेल में बिताना पड़ेगा, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। कैलकुलेट किया जाता है कि भी इतने साल जो है उसे जेल में बिताने पड़ेंगे। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर अटेम्प्ट करने पर भी उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है, तो वहां पर ये फ्रैक्शन टर्म यूज़ होती है। सेक्शन 511 जो है वो इसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर उसे कितने साल जो है जेल में बिताने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन 511 आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 60, सेंटेंस मे बी होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। अब जो कोर्ट आपको इम्प्रिजनमेंट देती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी वो रिग्रेस हो, पूरी की पूरी वो सिंपल हो। इट डिपेंड्स कि भी ऑफेंस किस टाइप का है, इट्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, आपका केस कैसा रहा है। तो उसमें जो है कोर्ट आपको पार्टली, मतलब थोड़ी बहुत रिग्रेस और थोड़ी बहुत सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सेक्शन 63, अमाउंट ऑफ फाइन। देखिए, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पर फाइन का अमाउंट जो है ना वो डिटरमाइन नहीं होता है, नहीं बताया होता है कि भी कितना अमाउंट जो है फाइन के रूप में देना चाहिए, यहाँ पर कितना अप्रोप्रिएट बैठता है। तो वहाँ पर क्या है, इट कैन बी अनलिमिटेड, तो कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। इट डिपेंड्स कि भी उसका ऑफेंस किस टाइप का है, उसका केस किस टाइप का, लेकिन वो जो है एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब एक वो होता ना कि भी आउट ऑफ लिमिट, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है आपका ऑफेंस जो है वो किस तरह का, किस तरह के नेचर का है, तो वो कितने भी लिमिट तक जो है कोर्ट आप पर फाइन इम्पोज कर सकता है, बट ओनली एक्सेसिव नहीं होगा। Now let's see section 64 क्या कहता है, sentence of imprisonment for non-payment of fine। आपने offense देखे होंगे, वहाँ पर punishment लिखी होती है, तो बहुत सारे offenses में लिखा होता है imprisonment और fine, या फिर imprisonment and fine, मतलब उस offense में उसको imprisonment दिया जा सकता है या फिर fine लगाया जा सकता है, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। तो अगर किसी person पर imprisonment and fine या फिर और fine ऐसे उसको
पनिशमेंट दी गई है और समहाउ वो फाइन नहीं पे कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, ये सेक्शन 64 कहता है। नेक्स्ट है सेक्शन 65, अब ये लिमिट बताता है जो वो फाइन नहीं पे कर पा रहा है तो उसका इम्प्रिजनमेंट कितने और समय के लिए आप बढ़ा सकते हैं, ये लिमिट के बारे में बताता है। लिमिट ऑफ दैट इम्प्रिजनमेंट विच इज़ गिवन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, फाइन ना पे करने की वजह से उसका इम्प्रिजनमेंट कितना बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ बताया गया है 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट, जो ऑफेंस है उसने जो ऑफेंस किया है उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी 1/4 तक उसको बढ़ाया जा सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ किसी ने कोई भी ऑफेंस किया उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल थी, 1 साल इट मीन्स 12 महीने, तो उसका 1/4 क्या होगा, 3 चौक 12 3 महीने, तो 1 साल का 1/4 निकला 3 महीने, तो 12 महीने में 3 महीने और ऐड कर दीजिए, इट मीन्स 15 मंथ, टोटल 15 महीने उसको जेल में बिताने पड़ेंगे अगर वो फाइन नहीं पे करता है, तो सिंपली इसका ये मतलब है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 67, ये क्या कहता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर आपके ऑफेंस की पनिशमेंट सिर्फ फाइन है और आप वो फाइन नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपको कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, वो ये कहता है। सो सिंपल इम्प्रिजनमेंट नॉट रिग्रेस, तो ऐसे ऑफेंसेस में आपको सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी अगर आप फाइन नहीं पे करते हो, रिग्रेस नहीं दे सकते हैं उसमें। सो यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है कि भाई कितने रुपए का फाइन होगा और आप नहीं पे कर पा रहे हो तो कितने समय की आपको मतलब जेल काटनी पड़ेगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। सो 2 मंथ जेल, 50 रुपीज़ फ़ाइन, अगर आपका 50 रुपये तक का फ़ाइन है वो नहीं आपने पे किया तो उसमें आपको 2 महीने की जेल दी जा सकती है। 4 मंथ 100 रुपीज़ फ़ाइन, अगर आपका फ़ाइन जो है वो 100 रुपये तक का है, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 रुपये तक का है तो आपको 4 महीने की जेल मिलेगी, और उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा की आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, फिर चाहे कोई भी अमाउंट हो मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल हो सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है चाहे कितना ही अमाउंट हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 68 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, तो जैसे ही आप फाइन पे कर देते हो, अगर आपके ऊपर सिर्फ फाइन का ही पनिशमेंट है, आप जैसे ही फाइन पे कर देते हो तो तुरंत आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट खत्म हो जाएगी। सेक्शन 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, अब देखिए आपको मिल गई 6 महीने की सज़ा मिल गई सपोज करिए, और आपने तुरंत उसका फ़ाइन नहीं पे करा, आपको 6 महीने की मिल गई, लेकिन थोड़े 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपके पास पैसे आ गए, आपने आप फ़ाइन पे करना चाहते हो, तो आपकी जितनी बची हुई पनिशमेंट होगी ना 100 में से अगर आपने 30% काट रही है तो वो प्रोपोर्शनल निकाल दिया जाएगा कि भी आपको अब कितना फ़ाइन देना पड़ेगा इस बची हुई सज़ा के लिए, वो कैलकुलेट करके निकाल लिया जाता है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 70 क्या कहता है, फाइन लिवेबल विद इन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, अब ये कहता है कि अगर किसी पर्सन पर इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फ़ाइन भी इम्पोज किया गया है तो जो फाइन है, सपोज़ करिए उसका इम्प्रिजनमेंट चल रहा है लेकिन उसने अभी तक अपना फ़ाइन नहीं पे किया है तो क्या होगा, तो इम्प्रिजनमेंट के 6 साल के अंदर अंदर उसे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट 6 साल से ज़्यादा की है तो जब तक उसका इम्प्रिजनमेंट ओवर नहीं हो जाता तब तक कभी भी वो जो है अपना फ़ाइन पे कर सकता है, लेकिन एक सिचुएशन यहाँ ये आती है, सपोज़ करिए इम्प्रिजनमेंट के दौरान उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो तब भी क्या उससे फ़ाइन लिया जाएगा, तो आंसर है येस, तब भी उससे फ़ाइन जो है वसूला जाएगा, पर्सन नहीं है तो क्या हुआ, उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा, फिर उस प्रॉपर्टी से उस फाइन को ले लिया जाएगा, वसूल लिया जाएगा, ये सेक्शन 70 कहता है। नेक्स्ट जो ये सेक्शन है सेक्शन 71, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ये बताता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, मतलब कि भी अगर कोई एक ऑफेंस जो है बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, कई सारे छोटे ऑफेंसेस से मिलकर कोई एक ऑफेंस अगर बना है जिसके कई पार्ट्स रहे हैं
तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैक्सिमम पनिशमेंट रहेगी उसके उस ऑफेंस के लिए, ये सेक्शन 71 कहता है। इसमें दो इलस्ट्रेशंस दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में वो इलस्ट्रेशन दे दी जाती है, फिर आपसे पूछ लेते हैं कि भी इसको किस ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। तो इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं वो क्या कहती है। नाउ लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस। आप सेक्शन 71 के इलस्ट्रेशंस को देख लेते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आप अपने बेरेक में देख लीजिएगा। मैं आपको एज ए लेमैन आपको समझा देती हूँ वो क्या कह रहा है। तो इसकी जो पहली इलस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि भी ए जो है वो जेड को 50 स्ट्रोक्स देता है, मतलब 50 बार उसको पीटता है, मतलब 50 बार उसको थप्पड़ मारे फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ए को उसके हर सिंगल एक्ट के लिए, उसके हर एक सिंगल स्ट्रोक के लिए उसको पनिश किया जाएगा? अगर इस तरह से अगर पनिशमेंट देने लग जाए तो 50 स्ट्रोक्स की पनिशमेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पनिशमेंट नहीं ख़त्म होगी। तो ऐसा नहीं है, हम ए को फाइनली वॉलंटेरली कोजिंग हर्ट, उसने जो 50 स्ट्रोक्स जो उसे दिए हैं उसको फाइनली कोजिंग हर्ट, उसको हर्ट कोज करा है, तो हम ए को पनिश करेंगे वॉलेंटेरली कॉजिंग हर्ट के लिए, ना कि उसके एक सिंगल सिंगल एक्ट के लिए उसको पनिश करेंगे। इसकी सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए कि भी ए जो है वो जेड को पीटता है सबसे पहले, तो बीच में जो है वाई भी आ जाता है, फिर वो वाई को भी पीट देता है। तो ए ने जो है जेड की भी पिटाई करी है, वाई की भी पिटाई करी है, तो उसने दो अलग अलग एक्ट करे हैं, दो अलग अलग लोगों पे करे हैं, तो उसको दोनों ही एक्ट के लिए सेपरेटली पनिश किया जाएगा। ये इसकी दोनों इलस्ट्रेशन सिंपली ये कहती हैं। सो अब इसके जो सेक्शन 71 के जो पार्ट्स हैं उसको थोड़ा सा आप समझिएगा। अब सेक्शन 71 के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो सेक्शन 71 का पार्ट 2 जो है उसको आपको पढ़ना है सेक्शन 220 क्लोज 3 ऑफ सीआरपीसी के साथ, ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, आप देख लीजिएगा। सो पार्ट 2 ये कहता है कि भी अगर आपका कोई ऑफेंस है और वो जो ऑफेंस जो है दो अलग अलग डेफिनेशन, दो अलग अलग ऑफेंस की डेफिनेशन में अगर फॉल करता है तो आप पे दोनों ही ऑफेंसेस के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, इसका पार्ट 2 कहता है। पार्ट 3 देखिए, इसे आपको पढ़ना है सेक्शन 220 के क्लोज 4 के साथ, सीआरपीसी का जो सेक्शन है इसके साथ पढ़िएगा। ये कहता है कि भी अगर आपने एक टाइम में कोई एक ऑफेंस किया है और साथ ही साथ आपने अगर दूसरा ऑफेंस भी कुछ किया है और अगर दोनों ही ऑफेंस को क्लब कर दिया जाए तो एक थर्ड ऑफेंस बन जाता है, तो आप पर उस थर्ड ऑफेंस के भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। सपोज़ करिए कहीं डकोइटी हुई है, सेक्शन 391 में डकोइटी के बारे में बताया गया है, और डकोइटी के दौरान जो है मर्डर भी हो गया है, तो अगर डकोइटी और मर्डर को मिला दिया जाए तो डकोइटी विद मर्डर एक ऑफेंस बनता है जो सेक्शन 396 में दिया गया है, तो उन लोगों पर डकोइटी विद मर्डर के भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखिए सेक्शन 71 का, जिसे आपको पढ़ना है सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी के साथ क्लब करके पढ़ेगा। ये कहता है कि भी हर एक कोर्ट की ना कैपेसिटी होती है पनिशमेंट देने की। आपने अगर सीआरपीसी में पढ़ा होता है तो सभी का जुरिस्डिक्शन दिया होता है कि भी कौन सा कोर्ट जो है कितने ईयर्स की पनिशमेंट दे सकता है, तो जो कोर्ट है अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट उस ऑफेंस में वो नहीं दे सकता है, ये सारा सेक्शन 71 कहता है। नाउ लेट्स सी सेक्शन 72 क्या कहता है। देखिए, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। अब सपोज करिए सारा केस सुन लिया गया और जो एक्यूज्ड है उस पर सेवरल ऑफेंसेस के चार्जेस लगा दिए, बहुत सारे ऑफेंसेस के उस पर चार्ज लगा दिए, लेकिन फिर भी जो है कोर्ट जो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, डाउटफुल है कि भी ऑफेंडर को किस ऑफेंस का चार्जेस, मतलब किस ऑफेंस के अंदर जो है उसको पनिशमेंट दी जाए, तो ये जो डाउट है इसका बेनिफिट जो है वो एक्यूज्ड को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट वाला जो ऑफेंस होता है उसकी पनिशमेंट उसे दी जाती है और ये बेनिफिट उसे मिल जाता है, जहाँ पर लेकिन डाउट होना चाहिए। ऐसे क्लियर कट होगा तो वहाँ नहीं मिल पाएगा, जहाँ डाउटफुल रहता है कोर्ट के लिए कि भी कौन से ऑफेंस की उसे पनिशमेंट दी जाए। ओके, ये सेक्शन 72 कहता है। लास्ट है इसका सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, सो मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी यहाँ पर, उसका मैं लिंक वीडियो में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर भी करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।